पन्ना जिले में वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला पन्ना के दक्षिण वन मंडल की सलेहा रेंज अंतर्गत पटना तमोली ग्राम का है, जहां पर एक तेंदुआ वायर के फंदे में बुरी तरह फंसा हुआ मिला। यह तेंदुआ जंगल से भागकर इंदिरा आवास कॉलोनी में नीम के पेड़ पर चढ़ गया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। तेंदुए की जान बचाने के लिए लकड़ी में बंधे वायर के फंदे से उसे मुक्त कराने रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया, लेकिन इस टीम के पहुंचने से पहले ही घायल तेंदुए की मौत हो गई। जिले के उत्तर दक्षिण सामान्य वन मंडल एवं पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत पिछले 3 साल के अंदर 2 दर्जन तेंदुओं की संदेहास्पद मौत और शिकार की घटनाएं सामने आई है। यही आपके पटना तमोली में ही मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक तेंदुआ नीम के पेड़ में गांव में राजस्व क्षेत्र में चढ़ा हुआ है, तो उसको मैं यहां आकर बाइनाकुलर से देखा। बाइनाकुलर से देखने में ये पाया कि उस पर एक लकड़ी लटकी हुई है। उसके बाद मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और लगभग आधा घंटा में यानी 2:30 बजे सूचना मिलती है और लगभग 3:15 के आसपास ये मूवमेंट इसकी बंद हो जाती है और अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं और मौके पर जाके हम लोग उसके पास जाके देखते हैं तो वो मृत मिलता है जी। कल के दिन DFO साहब और SDO साहब और डॉक्टर साहब आए पन्ना टाइगर रिजर्व से, तो इसकी डेथ हो गई थी। बाद में हम लोगों ने इसको पेड़ से नहीं उतारा, नीम के पेड़ से ही वहीं पर रहा। आज सुबह है दिनांक 25 तारीख को डॉग स्क्वाड की टीम जो टाइगर स्ट्राइक फोर्स सतना की है उसको बुलाकर यहाँ पर सर्चिंग की गई, तो उसका पूरा ट्रेल मिला जहाँ से वो आया हुआ था और उस खेत तक हमें पहुँचाया जहाँ से ये फंदा लगा के ये वारदात हुई थी। पन्ना से राकेश पाठक की रिपोर्ट।